राहुल गांधी का केंद्र पर तंज, कहा सरकार वैक्सीन नहीं ब्लू टिक के लिए लड़ रही है। तो यूजर्स ने भी दिए अपने रिएक्शंस। माइक्रो ब्लॉगिंग साइट ट्विटर और केंद्र सरकार इन दिनों आमने सामने हैं। पहले आईटी के नए नियमों को लेकर ट्विटर और सरकार के बीच विवाद हुआ और उसके बाद उपराष्ट्रपति समेत कई आरएसएस के नेताओं के अकाउंट से ब्लू टिक हटाने को लेकर केंद्र ने ट्विटर से आपत्ति जताई। अब इन विवादों को लेकर कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने सरकार पर तंज कसते हुए निशाना साधा है। राहुल गांधी ने ट्वीट किया, ब्लू टिक के लिए मोदी सरकार लड़ रही है, कोविड टीका चाहिए तो आत्मनिर्भर बनो। अपने इस ट्वीट के साथ उन्होंने हैशटैग में लिखा प्राथमिकता, जिसके बाद कई यूजर्स भी अपने रिएक्शंस देते हुए दिखाई दिए। आपके साथ शेयर करते हैं कुछ यूजर्स के रिएक्शंस। रवीश कुमार पैरोडी से ट्वीट किया गया, सरकार को बेरोजगारी, गरीबी, भुखमरी, बीमारी से लड़ना चाहिए, परंतु सरकार ट्विटर से लड़ रही है, वो भी नीले निशान के लिए। तो एक यूजर लिखते हैं, कुछ भी कर लो पर आएगा तो मोदी ही। तो दिनेश प्रताप सिंह नाम के यूजर लिखते हैं, मोदी जी तो बोले थे बिना वैक्सीन कोरोना को हरा दिया, इतना मिसजज मोदी जी ही कर सकते हैं। वैसे भी जज करने के लिए पढ़ा लिखा होना जरूरी है, जय सिया राम। तो एक यूजर लिखते हैं, असली राजा वो शेर होता है जो अपनी प्रजा के हितों की रक्षा करे, ना कि उसे खा जाए। मोदी सरकार ने केवल 10 महीनों में पेट्रोल डीजल के दाम से कमाए 2,94,000 करोड़ रुपए। तो एक यूजर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का फोटो शेयर करते हुए लिखते हैं, बेरोजगारी ना पूछो, सिलेंडर पेट्रोल ना पूछो, हॉस्पिटल ना पूछो, स्कूल ना पूछो, बस गुणगान करो वरना हिंदू तत्व खतरे में आ जाएगा। ऐसे कितने ही यूजर हैं जो राहुल गांधी के ट्वीट पर अपने रिएक्शन देते हुए दिखाई दे रहे हैं। आपको बता दें कि राहुल गांधी का ये ट्वीट केंद्र इलेक्ट्रॉनिक्स और आईटी मंत्रालय द्वारा नए आईटी नियमों का पालन ना करने पर ट्विटर को अपना अंतिम नोटिस भेजे जाने के बाद आया है। सरकार ने अमेरिका स्थित मुख्यालय वाले सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को मानदंडों का पालन करने में विफल रहने पर फिर से दंडात्मक कार्रवाई की चेतावनी दी है। कोरोना काल में राहुल गांधी लगातार केंद्र के नरेंद्र मोदी सरकार पर हमला करते रहे हैं। शनिवार को राहुल गांधी ने वैक्सीन के मुद्दे पर केंद्र को घेरा था। उन्होंने खबर को शेयर करते हुए लिखा, वैक्सीन की खरीद केंद्र करे और वितरण राज्य, मैं ये कहता आ रहा हूँ। वैक्सीन वितरण की निष्पक्ष नीति के अभाव में मोदी सरकार की असमानता नीति ऐसे परिणाम ही देगी। आपकी क्या राय है इस खबर के बारे में, अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर दें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें ताकि हर खबर आप तक जल्द से जल्द पहुँचे।